हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली कंटेंट के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम देखेंगे 21 से 22 मई यानी कि कल का और आज का करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं, जो कि सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट आप जरूर नोट आउट कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री होसेन अमीरा अब्दुल्लाहियान का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। हादसे में हेलीकॉप्टर सवार सभी 9 लोग जो हैं मारे गए हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है और मुखबेर ईरान के जो हैं राष्ट्रपति के अलावा संसद के स्पीकर भी होंगे। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर बाघेरी कनी को फॉरेन मिनिस्ट्री का प्रभार जो है दिया गया है और ईरान के संविधान के अनुसार अब 50 दिनों में चुनाव जो है आयोजित कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस में जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड वाइट बने हैं। अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 19 मई 2024 को 6 लोगों को न्यू स्पेड रॉकेट से स्पेस भेजा है, जिसमें से 2 भारत के हैं। मिशन का नाम जो है NS-25 है। इसमें 90 साल 8 महीने के बुजुर्ग एड वाइट भी शामिल थे। वे स्पेस में जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं। इस मिशन में आंध्र प्रदेश के गोपी थोटाकुरा भी शामिल थे और गोपी स्पेस में बतौर टूरिस्ट बनकर जाने वाले पहले भारतवंशी जो है बन गए हैं। गोपी एक पायलट और एंटरप्रेन्योर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टो लैम किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम के। मार्च 2024 में वॉन थुओंग ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। अब उनके स्थान पर टो लैम वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। टो लैम का संबंध वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी से है। वियतनाम की बात आई है तो वियतनाम से संबंधित बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। यह एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है और यह जो है अपने समुद्र तटों जैसे कि नदियों और बौद्ध पगोड़ा के लिए काफी जो है जाना जाता है। इसकी राजधानी हनोई है, मुद्रा वियतनामी डोंग है। तो यहाँ पे जो है वियतनाम का लोकेशन देख सकते हैं, जो कि कंबोडिया और लाओस के साथ और चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात्विक चिराग की जोड़ी ने हाल ही में बैडमिंटन का कौन सा ओपन जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड ओपन जीता है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन 2024 के फाइनल में चेन बो यांग और लियू ई की चीन की जोड़ी को हराकर खिताब जीता है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष युगल खिताब भी जीता है। सात्विक चिराग की जोड़ी 2023 का ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी इनको प्रदान किया गया था। सात्विक चिराग की जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 भी जीता है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने 2023 में सबसे तेज हिट 565 किलोमीटर प्रति घंटा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश में उच्च ऊंचाई वाले टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। भारतीय सेना ने चीन सीमा के पास पूर्वी लद्दाख में 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर जो है विश्व की सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाओं की स्थापना की है। ये इलाका दुनिया में टैंक और सेना के लड़ाकू वाहनों के लिए सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। भारतीय सेना की बात आई है तो इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय सेना की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रमुख कमांडर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और CDS जनरल अनिल चौहान जी हैं और थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे। उपथल सेना अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति रात्रे।
भोपाल के ज्योति रात्रे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। 55 वर्ष की ज्योति ने दूसरे प्रयास में 848.86 मीटर की ऊंचाई पर जाकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले 2023 में खराब मौसम की वजह से उन्हें जो है 8,100 मीटर की ऊंचाई से वापस लौटना पड़ा था। ज्योति एल्ब्रस, किलिमंजारो, थाईलैंड पीक और कोरियेजू समेत जो है कई चोटियों पर भी उन्होंने जा चुकी हैं। और ज्योति ने यानी कि ज्योति रात्रे ने जो है 53 वर्षीय संगीता बहल का 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। यानी कि ज्योति रात्रि से पहले जो है 53 वर्षीय संगीता बहल जो है वो पहली जो है उम्रदराज की महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। ठीक है, उसके बाद ज्योति रात्रे हैं। संगीता बहल ने 19 मई 2018 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला का खिताब हासिल किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट से संबंधित जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। तो नेपाल की कामी रीता ने जो है 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी हाल ही में करंट अफेयर हमने देखा था। तो कामी रीता जो है हर वर्ष वे जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं और रिकॉर्ड बनाते हैं। कामी रीता 12 मई 2024 को शिखर पर पहुंचे थे और 2023 में कामी रीता ने 2 बार जो है शिखर पर चढ़ाई की है। एक अन्य नेपाली पर्वतारोही पसांग दावा 27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं और इसे तिब्बती में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को और नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने और उनके साथ नेपाली भारतीय शेरपा तेंजिंग नोर्गे भी थे जिनके नाम से जो है पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप नटराजन बने हैं। IDFC फर्स्ट बैंक की बात आई है तो भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक। इसकी स्थापना की गई थी 1997 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में CEO हैं वी वैद्यनाथन। 2014 में RBI ने IDFC बैंक को बैंकिंग लाइसेंस जो है प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में इंग्लैंड की फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है। मैनचेस्टर ने वेस्टहैम को 3-1 से हरा दिया है और मैनचेस्टर ने जो है कुल 8वीं बार इंग्लिश प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जीती है। मैनचेस्टर सिटी लगातार 4 बार इंग्लिश टाइटल जीतने वाली पहली टीम बन गई है और इंग्लिश प्रीमियर लीग का आयोजन जो है इंग्लैंड में किया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और सबसे सफल टीम है मैनचेस्टर यूनाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने भारत के 2024 के विकास अनुमान को संशोधित करके जो है कितना कर दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.9% कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की बात आई है तो उसके हम जानकारी जो है रिवाइज कर लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। सदस्य देश जो है कितने हैं 193। भाषा कौन कौन से हैं तो रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, स्पेनिश। और महाविद्यालय सॉरी महासचिव जो है कौन है एंटोनियो गुटेरेस है। मुख्यालय है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। उद्देश्य क्या है संयुक्त राष्ट्र की तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और यूनाइटेड नेशंस महासभा के जो है 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष जो है डेनिस फ्रांसिस हैं। यह भी नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में 21 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह दिवस जो है भारत के 6ठे और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है। राजीव गांधी जी को की जो है 21 मई 1991 को आतंकवादियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस दिवस का उद्देश्य है कि आतंकवाद के भय और युवाओं के बढ़ते कट्टरपंथीकरण को मिटाना है जो राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक है।
अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है 21 मई को। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रति वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। पहला जो आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है 21 मई 2020 को मनाया गया था। चाय का उत्पादन जो है विश्व में सबसे ज्यादा चीन में किया जाता है, और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादक राज्य है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंध प्रणाली शुरू करेगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य करेगा। सिक्किम जो है 25 मई 2024 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंध प्रणाली शुरू करेगा। उद्देश्य है कि यातायात प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण करना, और यह जो है प्रणाली स्वचालित रूप से दस्तावेजों का सत्यापन करेगी और उल्लंघनों का पता लगाएगी। सिक्किम की बात आई है तो सिक्किम से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। राजधानी गंगटोक है और राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीन देशों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है, जो कि नेपाल, चाइना और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही अंतर्राज्यीय सीमा भी साझा करता है वेस्ट बंगाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम ब्लाई चिंगते ने किस देश की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। तो ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ ली है। विलियम लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। विलियम चाई तिंग चिंगते ने जनवरी में राष्ट्रपति चुनाव जीता था। उपराष्ट्रपति बी खिम जो यानी कि बी खिम हसियाओ ने भी जो है पद की शपथ ली है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। विलियम लाई चिंगते ने साई इंग वेन का स्थान लिया है। ताइवान की बात आई है तो ताइवान से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी रिवाइज कर लेते हैं। ताइवान जो है पूर्वी एशिया का एक देश है, राजधानी ताइपे है, और मुद्रा जो है न्यू ताइवान डॉलर है। इसे आधिकारिक तौर पर चीन गणराज्य कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, समुद्री सीमा साझा करता है चाइना के साथ, ठीक है, जो कि समुद्र से घिरा हुआ है ताइवान। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फसाई ने फलों को पकाने के लिए किस पदार्थ के उपयोग करने पर फल व्यापारियों को चेतावनी जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है वो हानिकारक होता है, इसी कारण से जो है फसाई ने व्यापारियों को चेतावनी दी है। फसाई ने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करने पर जो है फल व्यापारियों को चेतावनी जारी की है। और कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग जो है सामान्यतः आम जैसे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड को कैल्शियम एस्टिलाइड जो है कहा जाता है, और यह जो है एसिटिलीन गैस छोड़ता है जो कि काफी हानिकारक होता है। एस्टेरीन गैस में जो है आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश भी होते हैं, और इससे चक्कर आना और बार बार प्यास लगना, जलन, कमजोरी, निकलने में कठिनाई, उल्टी और त्वचा पर छाले भी हो सकते हैं। फसाई की बात आई है तो इसका जो फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 5 सितंबर 2008 को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष हैं अपूर्वा चंद्रा, सीईओ हैं गंजी कमला री वीराव, और फसाई की स्थापना जो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के द्वारा की गई थी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीव पुरी बने हैं। को फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री ने संजीव पुरी को नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। संजीव पुरी की नियुक्ति आर दिनेश की जगह पर हुई है। संजीव पुरी आईटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आर मुकुंदन को 2024-25 के लिए सीआईआई के नए उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ की बात आई है तो इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। भारत में व्यापारिक समूहों का प्रतिनिधित्व करता है भारतीय उद्योग परिसंघ, और सरकार पर व्यापार अनुकूल नीतियां बनाने के लिए दबाव डालता है। इसकी उत्पत्ति जो है
यानी कि स्थापना 1895 में बंगाल में इंजीनियर और आयरन ट्रेडर्स एसोसिएशन की स्थापना से मानी जाती है। और 1992 में इसने अपना नाम जो है भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रहण किया था। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य खोजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलुरु में। मंगलुरु शहर जो है कर्नाटका में स्थित है और मंगलुरु शहर में बोलूर पन्ने कोटेटा बब्बू स्वामी मंदिर के पास जो है पुरातात्विक विद को रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य मिला है। यह जो है मंगलूर शहर में रॉक आर्ट का पहला प्रमाण है। इस रॉक आर्ट में जो है अमानव पैरों के निशान हैं, जो मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की शिला पर पाए गए हैं, जो कि पुरातात्विक विदों के अनुसार जो है उनका कहना है कि यह जो है दूसरी शताब्दी ईस्व से जो है बनाए गए होंगे, उनका कहना है। तो पुरातात्विक जो संक्षेप में से जो है साक्ष्य में से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हाल ही में जो है काफी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि काफी जो है इम्पोर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के नचने गांव में जो है भारत के सबसे पुराने मंदिर को खोजने की उम्मीद जताई जा रही है। और गुजरात के कच्छ में जो है पुरातात्विक उत्खनन से 5,200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का भी पता चला है। और दक्षिणी गोवा के ककोड़ा में महादेव मंदिर में कन्नड़ और संस्कृत में लिखा हुआ, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, 10वीं शताब्दी ईस्व कंदम काल का एक शिलालेख खोजा गया है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जो है के द्वारा ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पार्क खोजा गया है। अफ्रीकी देश अंगोला में एक खदान से 170 कैरेट का दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा भी खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्लेशियरों को खोने वाला बना पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला में जो है सभी ग्लेशियर्स जो है वो पिघलने लगे हैं, ठीक है, खोते जा रहे हैं वेनेजुएला ग्लेशियर्स को। तो आधुनिक इतिहास में वेनेजुएला पहला देश ऐसा देश बना है जिसने अपने सभी ग्लेशियर को खो दिया है। नए शोध में से पता चला है कि एंडीज में हम्बोल्ट ग्लेशियर जो है पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन सिकुड़कर 2 हेक्टेयर भी से भी कम रह गया है। वेनेजुएला में सियेरा नवादा डे मेरिडा पर्वत श्रृंखला में 6 ग्लेशियर हुआ करते थे। 2011 तक इनमें से 5 ग्लेशियर जो है पिघल गए थे। केवल हम्बोल्ट ग्लेशियर बचा था, जो कि अभी भी वो पिघल गया है, केवल 2 हेक्टेयर ही बचा है। वेनेजुएला की बात आई है तो वेनेजुएला के संबंधित जो है बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। महाद्वीप जो है यानी कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है और राजधानी काराकास है। राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो। मुद्रा है वेनेजुएला बोलीवार। तो यहाँ पे जो है वेनेजुएला की लोकेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इटालियन ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर जेवरेव जो कि जर्मनी से हैं, उन्होंने 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता, जबकि महिला एकल खिताब जो है दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड से हैं, उन्होंने जीता है महिला टीम में। और अलेक्जेंडर जेवरेव के लिए जो है एक दूसरा इटालियन ओपन खिताब था, जबकि ईगा स्वियाटेक के लिए जो है यह तीसरा इटालियन खिताब था। और 21वां इटालियन ओपन जो है 6 से 19 मई 2024 तक इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोन्स लेवेन को जो है नियुक्त किया गया है। वेदांत एल्युमिनियम के सीईओ जोन्स लेवेन को इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और स्लेवन का लक्ष्य जो है शून्य कार्बन में परिवर्तन में एल्युमिनियम की महत्वपूर्ण जो है भूमिका को बढ़ावा देने वाली वैश्विक पहल का नेतृत्व करना है।
विश्व में सबसे बड़े अल्मोनियम उत्पादक देश की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर भारत, चौथे पे कनाडा और पांचवें नंबर पे है संयुक्त अरब अमीरात। एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है जिसमें जो है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, फेल्डस्पायर जो है होते हैं। एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक जो है कि जिसको जो है इससे Al से डोनेट किया जाता है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है और एल्युमिनियम का उपयोग जो है खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए यूज किया जाता है। उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। उड़ीसा में भारत के बॉक्साइट का लगभग जो है 50% से अधिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 2024 के अंत तक वीजा फ्री टूरिस्ट एंट्री का सहमति जो है बनी है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस और भारत के बीच जो है वीजा फ्री टूरिस्ट एंट्री सहमति पर जो है हस्ताक्षर करने के लिए मीटिंग रखी गई है। पर्यटन संबंधों और मजबूत करने के लिए दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को वीजा फ्री टूरिस्ट एंट्री के लिए सहमत हुए हैं। वीजा मुक्त पर्यटन पर रूस और भारत के बीच फाइनल बातचीत जून में शुरू होगी और यानी कि जून में शुरू होगी और इस साल के अंत तक जो है दोनों देश समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और रूस और चीन के बीच जो है फ्री वीजा टूरिस्ट की शुरुआत जो है 1 अगस्त 2016 को हुई थी, जो कि अभी तक जो है जारी है। रूस की बात आई है तो रूस जो है दुनिया में यानी कि विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, जिसकी राजधानी मॉस्को है। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिसुस्टिन, मुद्रा है रूबल और रूसी सांसद को ड्यूमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म महोत्सव इस बार कितने देशों में मनाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस बार जो है 11 देशों में मनाया जाएगा मासिक धर्म महोत्सव। क्यों मनाया जाता है चलिए हम जानते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस महोत्सव का कार्यक्रम जो है भारत के 15 राज्यों में होगा जिसमें 33 संगठन शामिल होंगे और 21 मई से 11 देशों में मनाया जाएगा। इस बार इस महोत्सव का 8वां संस्करण है और मासिक धर्म महोत्सव का जो है 1 सप्ताह तक चलने वाला त्योहार है। उद्देश्य है कि खेल, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पीरियड्स को जो है कलंकित करना है। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मई को मनाया जाता है। एलोट कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल जीता है। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील करेगा। फोर्ब्स के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी असम में। हाल ही में किस देश में ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। और भारत और किस देश के बीच अभ्यास तर्कस का आयोजन कोलकाता में हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच। नारायणन वाघोल का निधन हो गया है, वह किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ICICI बैंक के। किस देश में Artemis 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीव जैन को नियुक्त किया गया है। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में, 2024 में किया गया है, तो क्रोएशिया के प्रधानमंत्री बने हैं आदेंद्र प्लेकोविक और सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री बने हैं जेरेमिया मानोले और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बने हैं इशाक डार। सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस वांग। कुवैत के प्रधानमंत्री अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा बने हैं और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी और मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतह अल सीसी। कांगो के प्रधानमंत्री बने हैं जुडेत सुमिनवा तुलुका। सेनेगल के राष्ट्रपति बने हैं बिसिरी डेओ माये
और आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मोंटेनेग्रो, और चाड के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद इद्रिस डेबी इटनो, और रूस के प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिसुस्टीन, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और फिलिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफा। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, साथ ही 21 तारीख और 22 तारीख के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर, जो कि सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आप जो है इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए अगर आपको, तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सारे कंटेंट जो मैं लाती हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, और सारे एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं।